हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो आज बात कर रहे हैं प्लांट क्लासिफिकेशन में जिम्नोस्पर्म्स की। स्पेशल वेलकम टू उन बच्चों को जो हमारे साथ नए जुड़े हैं। उनके लिए बता दूं कि प्लांट क्लासिफिकेशन में हम बाकी के सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम जिम्नोस्पर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लाइफ साइकिल, उसके क्लासिफिकेशन और इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, चार पैरामीटर्स पर हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे बच्चों। तो सबसे पहली बात कि ऐसे सीड प्लांट्स हैं जहां पर कॉन्स डेवलप हो गए, कॉन्स इवोल्व हो गए, जिसमें प्लांट की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा, अगर वर्ड बाय वर्ड हम जाएं तो जिम्ना का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। तो ऐसे प्लांट जिनमें नेकेड सीड होते हैं, मतलब सीड आर नॉट कवर्ड विद सीड कोट, ठीक है। प्लांट बॉडी कंप्लीटली डिफरेंशिएटेड होगी यहां पे रूट, स्टेम और लीफ में। रूट, स्टेम और लीफ यहां पे प्रेजेंट होते हैं एंड रूट भी टैप रूट्स, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है, टैप रूट्स आर फाउंड हियर। अब इसी में जो रूट्स हैं, फंगल एसोसिएशन बनाते हैं कुछ जेनेरा में, जब क्लासिफिकेशन आपको पता चलेगा, जबकि कुछ में स्पेशलाइज रूट्स जिनको हम क्या कहते हैं कोरेलोइड रूट्स। आया हुआ क्वेश्चन है नीट में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोरेलोइड रूट्स जो होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती हैं, उनके साथ एसोसिएशन करती हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ। तो इसका एग्जांपल है जो साइकस है, साइकस में कौन सी रूट्स मिलती हैं, कोरेलोइड रूट्स मिलती हैं जो कि इस तरह का एसोसिएशन शो करती हैं विद साइनोबैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं। और पाइनस में रूट का जो एसोसिएशन है वो फंगस के साथ है। इज इट क्लियर? साइकस में रूट दो टाइप की हो जाती है, इसका मतलब टैप रूट और कोरेलोइड रूट्स। चलिए आप दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर की बात करें तो जाइलम में वेसल्स नहीं होती और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स भी नहीं होंगी और सीव ट्यूब्स भी एबसेंट होती है। लेकिन जो ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है, ये न्यूट्रिएंट और वाटर के कंडक्शन में हेल्प करेगा। जाइलम वाटर के कंडक्शन में और जो फ्लोएम है वो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। जो डोमिनेंट फेज होगा प्लांट बॉडी का वो स्पोरोफाइटिक है। और जहां से मैंने स्टार्ट किया था कि टैप रूट्स हैं, पाइनस में मायोराइजल एसोसिएशन है, साइकस में कोरेलोइड रूट्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया नोस्टोकिया एनाबिना के साथ एसोसिएशन शो करती है। ये देखिए यहां पर इस तरह के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। तो डोमिनेंट फेज याद रखना है, ट्रू डिफरेंशिएशन है रूट स्टेम और लीफ का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए स्टेम की बात करते हैं। स्टेम जो है ना बच्चों, यहां पे ये अनब्रांच्ड होता है साइकस में, ठीक है। ये देखिए यहां पे साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन पाइनस में ये ब्रांच भी है। तो ये अनब्रांच भी हो सकता है, ब्रांच भी हो सकता है। तो रूट की बात हमने करी, स्टेम आपको बताया, रूट स्टेम के बाद तीसरा पार्ट क्या आता है? यस, लीव्स। देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स आपको यहां पे दिखाई दे रही है। तो लीव सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड लीव भी हो सकती है। अब जो साइकस है ना बच्चों, साइकस में पिन्नेट लीव्स होती है। साइकस में पिन्नेट लीव कई सालों तक सरवाइव कर सकती है, परसिस्ट फॉर ईयर्स। और यहां पे जो लीव्स हैं वो वेल अडेप्टेड होती हैं कि जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, उनको टॉलरेट कर सकें। इसलिए यहाँ पे लीव्स रिड्यूस होती हैं, उनका सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है ना। कॉनिफर्स में थिक क्यूटिकल होगा, संकन स्टोमेटा होंगे, डीप स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। और कॉनिफर्स में निडल लाइक लीव्स होती हैं, इसी की वजह से सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। तो रूट, स्टेम, लीव तीनों पार्ट की हमने बात कर ली, वेजिटेटिव पार्ट तीनों हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद पेरेनियल प्लांट है, बहुत सालों तक ये रहते हैं, वुडी होते हैं और दो टाइप के स्पोरोफिल प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं तो ये दोनों के दोनों, जिम्नोस्पर्म भी और आगे जो हम जाके डिस्कस करेंगे एंजियोस्पर्म्स भी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इंक्लूड किया जाता है स्पर्मेटोफाइटा में। स्पर्मेटोफाइट्स मतलब सीड बियरिंग है, यहां पे सीड प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहां पे नेकेड सीड है जिम्नोस्पर्म में,
और जो सीड फॉर्मेशन होती है वो तो हो जाएगी, लेकिन नो फ्रूट इज फॉर्म। तो उस पूरी प्रोसेस को एक अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे दो टाइप के स्पोरोफिल प्रोड्यूस होंगे, माइक्रो एंड मेगा स्पोरोफिल, और वो मिलके क्या बना देंगे, कोन, मेल और फीमेल कोन, मेगा स्पोरोफिल एंड माइक्रो स्पोरोफिल। इज इट क्लियर? माइक्रो स्पोरोफिल को हम क्या कहेंगे, मेल कोन कहेंगे, और मेगा स्पोरोफिल क्या कहलाता है, फीमेल कोन। सो मेल एंड फीमेल कोन आर प्रोड्यूस्ड। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब आर्किगोनिया को रिप्रेजेंट करेगा, मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट या स्पर्म को रिप्रेजेंट करेगा। दो गैमेट प्रोड्यूस होंगे जिसमें से सिर्फ एक ही फंक्शनल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ना कि ये है हेट्रोस्पोरस, दे आर ऑल हेट्रोस्पोरस। दो टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर कहां प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम में, और मेगास्पोर कहां प्रोड्यूस होंगे, मेगास्पोरेंजियम में। अब जो स्पोरेंजिया है, इन स्पोरेंजिया में एक ग्रुप होता है स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं स्पोरोफिल्स, स्पोरेंजिया डेवलप फ्रॉम स्पोरोफिल्स, और ये स्पोरोफिल्स इस तरह से स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं स्टेम के चारों तरफ, और वो क्या बना देते हैं, स्ट्रोबिलाई, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स भी कहते हैं, स्ट्रोबिलाई और कॉन्स। अब जहां पे मेल पार्ट है वो मेल कौन हो जाएगा, जहां पे फीमेल पार्ट है वो फीमेल कौन हो जाएगा। मेल कौन को क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया माइक्रोस्पोरेंजिया, और फीमेल कौन को क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया मेल, सॉरी फीमेल, और माइक्रोस्पोरेंजिया मेल। अब इन माइक्रोस्पोरेंजिया में, माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारे मदर सेल प्रेजेंट होंगे, मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, मदर सेल में चाहे वो मेगास्पोर मदर सेल है चाहे वो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, और बहुत सारे ये डिप्लोइड है मदर सेल, मियोसिस के बाद बहुत सारे हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, बहुत सारे हैप्लोइड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब इनका जर्मिनेशन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होगा, तो इट इज नोन एज एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन का मतलब ही क्या हो गया बच्चों, कि जो माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन है, इट अकर इनसाइड माइक्रोस्पोर। ठीक, अब ये माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा, माइक्रोस्पोर फॉर्म्स मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी। यस और नो, बोलो हाँ या हाँ। अब लेकिन मेल गैमेटोफाइट बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता, मेल गैमेटोफाइट होता है रिड्यूस्ड टाइप। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करेगा, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स में होगी, इसको कह देंगे पोलन और मेल गैमेट। तो इसी पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होती है। दूसरी तरफ फीमेल कौन मेगास्पोर से डेवलप हो जाएगा, वो फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, अब अगर मेल और फीमेल को दोनों के दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, मतलब एक ही प्लांट पे हो, तो क्या हो गया बताओ, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेम प्लांट पे हो तो इनको क्या कहेंगे हम, बोलो बोलो, मोनोशियस। पाइनस इज मोनोशियस, यहाँ पे मेल कोन और फीमेल कोन एक साथ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जब अलग अलग हो तो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट होंगे तो क्या हो जाएंगे, डायोशियस। तो साइकस है डायोशियस, ठीक है ना, मोनो एमपी से याद रख सकते हो मोनोशियस, डीसी से याद रख सकते हो डायोशियस। ठीक, यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई इफ बट किंतु परंतु है तो बताओ, बोलो बोलो जल्दी से, कोई समस्या नहीं है। अब बात करें फर्टिलाइजेशन की, जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, पहले मैं आपको फ्लो चार्ट के हेल्प से एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक, अब जो मेगास्पोरेंजियम है ना बच्चों, उसमें जो डिप्लोइड टिश्यू होता है
है न्यूसेलस। न्यूसेलस इज डिप्लोइड टिश्यू ऑफ मेगास्पोरेंजियम। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है बच्चों, ठीक है। अब इस मेगा, ये जो न्यूसेलस है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ कवरिंग्स, इसको क्या कहते हैं, इंटेगुमेंट। तो एक तो हो गया न्यूसेलस, दूसरा क्या हो गया इंटेगुमेंट, एनवलप हो गया। तो इस स्ट्रक्चर को अब क्या कहते हैं, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। क्या कहेंगे, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। तो न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, ओव्यूल, तीनों वर्ड क्लियर हो गए। अब इस न्यू सेल्स में बहुत सारी सेल में से एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी एज मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। ये भी सब बात समझ में आ गई, इसको हम एमएमसी कह देते हैं, ठीक। अब ये मेगास्पोर मदर सेल, ये मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें डिवीजन हुआ, एक से दो बन गई, फिर से डिवीजन हुआ, दो से चार सेल की फॉर्मेशन होगी, न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं सारे की सारी, ठीक है। तो मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा डिप्लोइड मदर सेल में, और हैप्लोइड सेल्स बनेंगी चार, जिनको मेगास्पोर्स कहेंगे। अब इन चार मेगास्पोर में से तीन डीजनरेट हो जाती है, तीन खत्म हो जाती है, एंड ओनली वन फंक्शनल मेगास्पोर रिमेन्स, सिर्फ एक फंक्शनल रह जाएगा, ठीक है ना। अब इस फंक्शनल मेगास्पोर की डेवलपमेंट भी मेगास्पोर के अंदर ही होगी, तो ये भी क्या है, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट है। माइक्रोस्पोर की भी एंडोस्पोरिक थी, मेगास्पोर की भी एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है, ठीक। अब ये उसी की तरह किसमें डेवलप हो जाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट में, लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट को बच्चों कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज एंडोस्पर्म। इससे क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट या एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी। इज इट क्लियर। अब ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना बच्चों, ये दो तरह की सेल्स प्रोड्यूस करेगा। फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ सेल्स, एक को कहेंगे आर्किगोनिया, प्रोड्यूस कर देगा रादर, दो दो आर्किगोनिया प्रोड्यूस कर देगा, जो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ओव्यूल, ठीक। कैसे, ये है मल्टी सेलुलर, दिस इज मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, लेकिन मेल गैमेटोफाइट की तरह ये भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता, ठीक। अब एक तरफ क्या बना था हमारा, एक तरफ क्या, किसकी फॉर्मेशन हो गई थी, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो गई थी, कहां पे गया हमारा, एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट के बाद पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है एक तरफ, तो मेल गैमेट की फॉर्मेशन हो गई, और दूसरी तरफ ये, यस, ये पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो गई थी, और दूसरी तरफ ओव्यूल की फॉर्मेशन हो गई, जिसमें एग सेल प्रेजेंट होगी, ठीक। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम से पोलन ग्रेन आते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या आएगा, पोलन ग्रेन, ठीक, एयर के थ्रू ट्रेवल करते हैं, जब एयर के थ्रू पोलिनेशन होता है तो उसको कहते हैं एनिमोफिली, बात समझ में आई। तो एयर के थ्रू वो मेल के जो गैमेट्स हैं वो कहाँ पहुंच गए, माइक्रोपाइल, ओव्यूल की जो ओपनिंग है, ओव्यूल की ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहेंगे, वो पोलन ग्रेन यहाँ पे पहुंच गए, ठीक। ठीक, ओव्यूल के ओपनिंग माइक्रोपाइल पे पहुंच गए, अब क्या होगा, अब यहां पे ये पोलन ग्रेन जो है दो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, टू मेल गैमेट्स। अब अंदर क्या है, आर्किगोनिया है, अभी आर्किगोनिया की तरफ डेवलप करेंगे, यहां पे आर्किगोनिया के माउथ के पास अपने गैमेट्स को वहां पे रिलीज कर देते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब यहां पे दो गैमेट थे, फर्स्ट और सेकंड, मैं इस तरह से लिख देता हूं आप लोगों के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड मेल गैमेट। तो फर्स्ट गैमेट जो है वो ओव्यूल में
यहाँ पे जो एग सेल है, फीमेल गैमेट है, उसके साथ फ्यूज कर जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो मेल गैमेट है वो डिजनरेट कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, इतना हम कर सकते हैं। और जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ तो जायगोट की फॉर्मेशन हो गई, जायगोट डेवलपमेंट टू एम्ब्रियो। तो जायगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियो फॉर्मेशन भी ओव्यूल के अंदर ही होता है। अब जो फर्टिलाइज ओव्यूल है जिसमें एम्ब्रियो भी प्रेजेंट है, फर्टिलाइज ओव्यूल प्लस एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड। याद रखना, फर्टिलाइज ओव्यूल विद एम्ब्रियो इज कॉल्ड सीड। तो सीड ओवरी में बना लेकिन फ्रूट की फॉर्मेशन नहीं हुई, इसलिए इनको नेकेड सीड कहते हैं। अब ये एम्ब्रियो डिप्लोइड कंडीशन, डिप्लोइड सेल है, ठीक है। अब इस एम्ब्रियो से क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो डेवलप इनटू या एम्ब्रियो फॉर्म्स, बताओ, डिप्लोइड स्पोरोफाइट, जैसे जर्मिनेशन होगा, ठीक। तो ये प्रोसेस होती है फर्टिलाइजेशन। इसको थोड़ा सा आप समझ लेते हैं थ्योरेटिकली कि मेल कौन से क्या प्रोड्यूस हुआ, माइक्रोस्पोर, जिसे मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स बन गए। फीमेल गैमेट से क्या प्रोड्यूस हुआ, मेगास्पोर ओव्यूल। पोलन ट्यूब की डेवलपमेंट होती है, ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, जिसे जो पोलन ग्रेन्स है वो ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं, फीमेल पार्ट तक पहुंच जाते हैं, मेगास्पोरेंजियम तक पहुंच जाते हैं। अब पोलन ग्रेन में दो स्पर्म होते हैं, एक एक्सेल के साथ फ्यूज करके जायगोट बना देगा, एक बार फर्टिलाइज हो गया तो जायगोट से ओव्यूल की, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो जाएगी और उससे नई स्पोरोफाइटिक बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये है निकी लाइफ साइकिल। कहां से स्टार्ट करते हैं, मैच्योर स्पोरोफाइट से हम स्टार्ट करते हैं। मेल और फीमेल कौन आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, ओव्यूल फीमेल पार्ट होता है। अब इसमें आप देखिए, चार स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, तीन डिजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक बचता है फंक्शनल, ठीक। मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन्स, फीमेल गैमेटोफाइट में एग सेल भी है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू जायगोट बन गया, दी जायगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। नहीं समझ आई बात, और सिंपलीफाई करता हूं, जस्ट होल्ड। देखो, एक तरफ क्या है आपके पास, स्पोरोफाइट, राइट, स्पोरोफाइट इज डिप्लोइड स्ट्रक्चर। मेल कौन है, ये भी क्या है, डिप्लोइड स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। इससे इजिएस्ट वे नहीं हो सकता बच्चों, इससे सिंप्लीफाइड वे नहीं हो सकता, माइक्रोस्पोरोफिल ये भी डिप्लोइड स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि प्लोइडी में ही कंफ्यूज हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम ये भी कैसा है, डिप्लोइड स्ट्रक्चर। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आपको बताओ। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, कोई स्पोरोफाइट में क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजियम, जिसको हम क्या कहते हैं, फीमेल को स्ट्रक्चर, उसके बाद जो मेगा स्पोरोफिल कहेंगे, मेगा स्पोरोफिल या मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल। यहां तक सारी की सारी स्ट्रक्चर्स कैसी हैं बच्चों, यहां तक सारी की सारी स्ट्रक्चर्स हैं डिप्लोइड, ठीक, डिप्लोइड फेज। अब हुआ मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। तो इधर से क्या बना, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो गई, मेल गैमेट की फॉर्मेशन हो गई, अब सारे के सारे स्ट्रक्चर सेपरेट होंगी, पोलन ग्रेन और मेल गैमेट की फॉर्मेशन हो गई। इधर से मेगास्पोर से जर्मिनेशन के बाद फीमेल गैमेटोफाइट बन गया, ये भी हैप्लोइड स्ट्रक्चर है। अब फीमेल गैमेटोफाइट में क्या क्या प्रेजेंट है, फीमेल गैमेटोफाइट में क्या प्रेजेंट है, आर्किगोनिया, यस और नो, और आर्किगोनिया में प्रेजेंट है फीमेल गैमेट। अब एक तरफ मेल गैमेट प्रोड्यूस हो गया था, दूसरी तरफ अब ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो गया, तो गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों के दोनों हैप्लोइड स्ट्रक्चर्स फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन होके क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होके जायगोट की फॉर्मेशन होगी। तो जैसे ही जायगोट बनेगा दोबारा से डिप्लोइड फेज स्टार्ट हो जाएगा, इसमें फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस, एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू सीड,
एंड सीड से स्पोरोफाइटिक बॉडी की फॉर्मेशन हो जाएगी जो कि फिर से डिप्लोइड है। सो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। लेकिन यहां पे दो इंपॉर्टेंट वर्ड मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ध्यान देना, दो वर्ड मैं लिख रहा हूं। जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन अकर्स बाय आइदर सिनोगैमी, सिनोगैमी, सिनोगैमी का मतलब होता है अगर फर्टिलाइजेशन होता है बाय फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, ये फर्टिलाइजेशन अकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ स्विनोगैमी का मतलब होता है फॉर्मेशन या डेवलपमेंट बाय पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन के थ्रू अगर होगा तो उसको स्विनोगैमी कहते हैं। या फिर पहले हमने क्या किया था, जूडियोगैमी, जूडोगैमी, लेकिन यहां पे जूडो स्विनोगैमी कि मेल गैमेट आए तो कहां फीमेल गैमेट के पास एयर करंट के थ्रू, लेकिन फिर उसके बाद पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, तो इसको जूडो स्विनोगैमी भी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो जो लाइफ साइकिल है ना बच्चों जिम्नोस्पर्म की, या इवन एंजियोस्पर्म जो आप आगे डिस्कस करेंगे, लाइफ साइकिल इनकी है डिप्लोन्टिक। कैसी लाइफ साइकिल है? डिप्लोन्टिक, क्योंकि जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है ना वो शॉर्ट लिव्ड है, गैमेटोफाइट रिड्यूस्ड है, और वो डिपेंड कर रहा है स्पोरोफाइट पे, डिप्लोइड फेज पे। ठीक है, तो जुइडो स्पिनोगैमी का मतलब लोअर जिम्नोस्पर्म में जो होता है कि मेल गैमेट मोटाइल है और पोलन ट्यूब के पास आएंगे, और स्पिनोगैमी में क्या है, जो हायर जिम्नोस्पर्म में होता है मेल गैमेट नॉन मोटाइल है तो पोलन ट्यूब के थ्रू वो पहुंचेगा। ठीक, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बता दो, नहीं है पक्का? उसके बाद क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ, बोलो जोर से बोलो, जय माता दी नहीं बोलना अभी, क्लासिफिकेशन। चलिए फटाफट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। चलिए बेटा बताइए फटाफट जिम्नोस्पर्म की क्लासिफिकेशन। देखिए दो मेजर ग्रुप्स हैं, एक लोअर जिम्नोस्पर्म जिनको हम कहते हैं साइकेडोफाइटा, साइकेडोफाइटा लोअर जिम्नोस्पर्म, एंड कोनिफेरोफाइटा जिनको हायर जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। तो लोअर और हायर दो ग्रुप हो गए जिम्नोस्पर्म्स के। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, इसमें फॉसिल फॉर्म्स होती है, एक्सटिंक्ट, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है विलियम सोनिया, विलियम सोनिया जिसको फॉसिल प्लांट भी कहते हैं। इस फॉसिल प्लांट को स्टडी किया था डॉक्टर बीरबल सानी ने। इसमें एक दूसरा ग्रुप आता है, ये तो एक्सटिंक्ट ग्रुप हो गया, इसमें इसमें सेकंड ग्रुप आता है साइकेडेल्स, साइकेडेल्स ये लिविंग फॉर्म्स हैं, लिविंग फॉसिल्स हैं, इसमें साइकस आ जाता है आपका, बहुत कॉमन एग्जांपल है साइकस का, इसमें आपका साइकस आ जाएगा, तो एग्जांपल इसमें आ जाएगा आपका साइकस। फार्न प्लांट भी कहते हैं इसको, साइकोपाम भी कहते हैं इसको, बहुत सारे नाम है इसके, साइकोपाम। साइकस में फीमेल कौन एब्सेंट होता है, तो फिर आप पूछोगे सर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, साइकस को अलग से डिस्कस कर देंगे। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल है जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म भी है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म में आता है जैमिया पाइमिया, जैमिया पाइमिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है बच्चों। और इसमें तीसरा ग्रुप जो है, एक तो कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए, एक लिविंग फॉसिल्स हो गए, और जो तीसरा ग्रुप है जिंकोडेल्स, इसमें भी ओल्डेस्ट ऑर्डर है ये, इसमें भी मैक्सिमम वही एक्सटिंक्ट है, ओल्डेस्ट ऑर्डर जिंको बाइलोबा, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है, जिंको बाइलोबा, मेडन हेयर ट्री भी इसको कहते हैं, मेडन हेयर ट्री और जिंको बाइलोबा, ये एक्चुअली हायर जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करता है, लेकिन इसके जो मेल गैमेट्स है वो मोटाइल होते हैं। ठीक, इसलिए इसको लोअर जिम्नोस्पर्म्स में रखा गया। अब दूसरा जो मेजर ग्रुप था वो क्या था, कोनिफेरेंस, कोनिफेरेंस,
इसमें आपका आ जाएगा पाइनस, इसमें आ जाएगा आपका सिट्रस, इसमें आ जाएगा आपका सिकोया। तीनों इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, तीनों एग्जांपल मैंने इसलिए लिखे। सबसे पहले लार्जेस्ट ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स का, ठीक। पाइनस की अगर हम बात करें, पाइनस में बहुत सारी स्पीशीज होती है, इससे एक रेजिन मिलता है, पाइनस से एक रेजिन मिलता है जिसको कहते हैं टर्पेंटाइन। टर्पेंटाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साइकस। साइकस को चिलगोजा पाइन भी कहते हैं, सॉरी पाइनस को चिलगोजा पाइन भी कहते हैं, पाइनस जिराइडिया है ना, इज कॉल्ड चिलगोजा, ठीक। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बाद में बात करते हैं, चलिए। सेड्रस और इसको देवदार कहते हैं इंडिया में, इसको देवदार कहते हैं। और सिकोया क्या है, हैवी होते हैं, फादर ऑफ फॉरेस्ट इनको कहा जाता है, दे आर नोन एज फादर ऑफ फॉरेस्ट। चलिए, रेडवुड ट्री लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्मॉलेस्ट का बताया था, ये लार्जेस्ट है। और अगला जो इसमें ग्रुप आ जाता है डिटेल्स, मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म्स, मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म्स, ठीक बच्चों, मोस्ट एडवांस। अब इसके ग्रुप में एक्सेप्शनली वेसल्स होंगी जाइलम में, नॉर्मली जो एब्सेंट होती है, लेकिन यहां पे जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होंगी। इसमें कुछ मेंबर्स में आर्किगोनिया एब्सेंट, बाकी में प्रेजेंट होता है, यहां पे आर्किगोनिया एब्सेंट होता है। इसके एग्जांपल्स बहुत सुंदर सुंदर एग्जांपल्स हैं, नेटम हो गया एक, तो नेटम उसका एग्जांपल हो गया, वेल्वेथिनिया थोड़ी देर पहले मैंने आपको शायद बताया था, इफेड्रा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका, इफेड्रा में आर्किगोनिया प्रेजेंट होंगी, नॉर्मली इसके ग्रुप मेंबर्स में आर्किगोनिया एब्सेंट होता है लेकिन इफेड्रा में प्रेजेंट होता है। इफेड्रा राजस्थान में बहुत कॉमनली मिलता है, मेडिसिनल प्लांट है, यहां से एक ड्रग मिलती है इफेड्रीन, इफेड्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम इफेड्रा, जो कि अस्थमा में यूज की जाती है, एथलीट इफेड्रीन को यूज करते हैं, इसलिए बैन भी है, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। अब इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करते हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है, कहाँ कहाँ पे स्पेशली यूज होती है। तो देखिए, सबसे पहला काम इसका टिम्बर में यूज होगी, ठीक है। टिम्बर में इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज किया जाता है बोलो, सॉफ्ट वुड होती है इसलिए लाइट फर्नीचर जो है, देखिए यहाँ पे ग्रोथ रिंग आपको कितनी ब्यूटीफुल दिख रही होंगी, है ना, सिड्रस से जो वेसल बनाया गया है देवदार से, तो लाइट फर्नीचर इसे बनाते हैं, प्लाईवुड बनाते हैं, मैस्टिक और रेलवे के स्लीपर्स इससे बनाए जाते हैं। सेकेंडली, पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। थर्डली, फाइबर बोर्ड्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, पाइनस और जो दूसरे कॉनिफर्स हैं उनके नीडल्स में फाइबर बोर्ड्स बनाए जाते हैं। देन रेजिन्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना, टर्पेंटाइन पेंट में सॉल्वेंट की तरह यूज करेंगे, पॉलिशेस में, वैक्स में यूज किया जाता है, रोजिन वाटरप्रूफिंग मटेरियल का काम करता है, रेजिन ये भी टर्पेंटाइन और रोजिन से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है। इसके अलावा मैं कुछ और चीजें बता रहा था आपको, जैसे एबिस, एबिस बालसेमिया, एबिस बालसेमिया से बालसम मिलती है, कनाडा बालसम जो कहते हैं हम, कनाडा बालसम इज ऑब्टेन फ्रॉम इट, है ना, जो परमानेंट स्लाइड्स नहीं बनाते आप लैब में। उसके अलावा टेक्सस एक प्लांट होता है, वो भी इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको यू ट्री कहते हैं, टैक्सोल एंटी कैंसर ड्रग मिलती है। चलो लिख देता हूँ मैं, टेक्सस के बारे में भी लिख देता हूँ, टेक्सस और इट इज नोन एज यू ट्री एंटी कैंसर ड्रग। सो दीज आर वेरियस यूजेस, ठीक है ना। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में पहले भी आपको बता चुका हूं, एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर देता हूं आपके लिए। ये देखिए, गैमेटोफाइट है, मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस के थ्रू क्या प्रोड्यूस होंगे, रिडक्शनल डिवीजन के थ्रू क्या प्रोड्यूस होगा, गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, मियोसिस होगा तो आप गैमेट्स यूज कर जाएंगे दोबारा से, तो फिर से डिप्लोइड, तो ये हैप्लोइड कंडीशन है, और फिर से डिप्लोइड जायगोट की फॉर्मेशन होगी, जायगोट डेवलप हो जाएगा स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट में फिर से रिडक्शनल डिवीजन होंगे, हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे जो कि गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएंगे। तो हैप्लोइड और डिप्लोइड फेज एक दूसरे के साथ अल्टरनेट कर रही है, तो
इट इज नोन एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। देखिए एक तरफ माइक्रोस्पोरोफाइट है, दूसरी तरफ आपको मेगास्पोरोफाइट दिख रहा है ना, यस और नो? ये मेल पार्ट, ये फीमेल पार्ट, प्रोसेस दोनों में सेम है, एक तरफ माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हो रही है, दूसरी तरफ मेगास्पोर्स बन रहे। तो तीन टाइप के लाइफ साइकिल नॉर्मली अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, डिप्लोन्टिक, एप्लोन्टिक एंड हैप्लोडिप्लोन्टिक। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? चलिए मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं आपके लिए कि अगर स्पोरोफाइटिक जनरेशन रिप्रेजेंट होती है सिंगल सेल जायगोट से और स्पोरोफाइटिक स्टेज एब्सेंट है, स्पोरोफाइटिक स्टेज एब्सेंट है, तो उसको क्या कहेंगे हम? हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। देखिए हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में मेनली स्पोर्स या गैमेटोफाइटिक फेज ही डोमिनेंट होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे होता है, गैमेट यूज करके जायगोट बनाते हैं, यहाँ पे डिप्लोइड डिप्लोइड स्ट्रक्चर बनती है जायगोट में। तो हैप्लोइड स्पोर्स भी बने मियोसिस से और उससे माइटोटिक डिवीजन के थ्रू गैमेटोफाइट बन गया। जो फोटोसिंथेटिक फेज है वो या डोमिनेंट फेज जो है वो फ्री लिविंग गैमेटोफाइट है, वोल्वो स्पायर वगैरह, क्लाइमाइडोमोनास, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। दूसरी लाइफ साइकिल होती है डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, जहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, देखिए स्पोरोफाइट मोस्ट ऑफ द टाइम इज प्रेजेंट, इसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा और हैप्लोइड गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी जो शॉर्ट लिव्ड होता है। तो जिम्नोस्पर्म में डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट, गैमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड है और डिपेंड करता है स्पोरोफाइट पे, ठीक है। एंड एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। उसके अलावा कंबाइंड हैप्लो डिप्लोन्टिक की डोमिनेंट इंडिपेंडेंट और हैप्लोइड गैमेटोफाइटिक फेज है जो कि स्पोरोफाइट के साथ अल्टरनेट करता है, तो ऑलमोस्ट 50-50 आपको दिख रहा है, इसलिए इसको हैप्लो डिप्लोन्टिक कहेंगे कि स्पोरोफाइट है, डिप्लोइड है, गैमेटोफाइट में गैमेटोजेनेसिस भी ऑलमोस्ट उतना ही टाइम ले रहा है। तो एल्गी जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कल्प्स में हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है ना, टेरिडोफाइट्स में हैप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल मिलती है। तो बच्चों ये बात थी जिम्नोस्पर्म्स की, ठीक है। जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन समस्या बट किंतु परंतु आपके दिमाग में है तो आपको हमेशा की तरह एक ही नाम याद रखना है, बायोनीति। जो भी समस्या है यहाँ पे पूछो, पूछ के दिखाओ, ये करके दिखाओ, लाइक करके, शेयर करके, और ये भी तो करना है मेरे बच्चों, फ्यूचर डॉक्टर्स, है ना। अब आप ये बताइए मुझे कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाह रहे हैं कि यूनिट वाइज टेस्ट, बताओ फटाफट, क्योंकि थर्ड चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीशन पे आ गया, तो चैप्टर टेस्ट आप देना चाहते हो कि यूनिट टेस्ट, बोलो फटाफट, उसी हिसाब से परफॉर्म करेंगे। बाकी हम सिर्फ एंजियोस्पर्म बचे हैं, प्लांट किंगडम आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है बच्चों, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना एंड कीप स्टडिंग।